मथुरा के थाना गोविंद नगर क्षेत्र में जन्मभूमि इलाके के अति संवेदनशील क्षेत्र में सोमवार को दिन दहाड़े करीब 80 किलो चांदी लूट की घटना को अंजाम देने के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। बदमाशों ने हथियारों के बल पर चांदी लूट की घटना को अंजाम दिया था। जानकारी के अनुसार कारीगर मनोज गुप्ता प्लांट से चांदी की पायल लेकर दुकान की ओर चला था, तभी थाना गोविंद नगर क्षेत्र में हथियारबंद तीन दोपहिया वाहनों पर सवार बदमाश आए और हथियारों के बल पर मारपीट करते हुए चांदी लूट कर फरार हो गई। पीड़ित व्यापारी ने बताया कि करीब 80 किलो चांदी बदमाश लूट ले गए हैं। सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिरकार दिन दहाड़े हुई घटना में पुलिस अभी तक खाली हाथ क्यों है और क्या इसके पीछे पहले से रूपरेखा तैयार की गई थी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले में जांच कर रही है, लेकिन दिन दहाड़े हुई लूट की घटना ने पुलिस की कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। ये कौन कौन लोग थे चांदी लेके जा रहे थे? जी, हमारा कर्मचारी था एक आदमी। अच्छा, वो लेके आ रहा था प्लांट से। प्लांट से और कोई साथ था? अकेला था। क्या नाम है उसका? मनोज। क्या कुछ बताया उसने फिर? उसने ये बताया था 6 जने थे और उसने घुसघू मारा था, तो उसने कनबट्टी पिस्टल लगा दी, स्कूटर लेके भग गए फिर वो हमारे। अच्छा, तो ये चांदी कहाँ से कहाँ ले जा रहे थे? गोवर्धन चौराहे त्रिवेणी फैक्ट्री से अपने चौक बाजार ले आ रहे, घर पर गद्दी बना रखी है अलग जी। काम माँ होता है, माल माँ लेते हैं, माँ से ऐसा करते हैं। तो गोवर्धन चौराहे पे आपका चांदी का कारखाना है? हाँ। तो वहाँ से ये माल ले जा रहे थे? कितनी चांदी? 80 किलो करीब बहन था। 80 किलो करीब टंच कितना रहा होगा? टंच तो पता नहीं, दुकानदार का माल है, हमें क्या माल, हम तो मजूरी करते हैं। मजूरी करके बना के आप देते हैं? नहीं, पॉलिश करते हैं हम तो, मेकअप जैसे ब्यूटी पार्लर होता है वो चीज। सर, इस चांदी लूट की घटना हुई है, क्या कुछ मामला आपके संज्ञान में? गोवर्धन चौराहे के पास त्रिवेणी फैक्ट्री से एक कर्मचारी, उनके अनुसार 80 किलो चांदी स्कूटी पर रख कर ले जा रहे थे। रास्ते में मंडी रामदास जाते समय फ्लाईओवर पर तीन मोटरसाइकिलों से, जिसमें एक अपाचे बताई जा रही है, एक स्प्लेंडर और एक स्कूटी से उसको घेर के, और वो स्कूटी और चांदी छीन ली गई है। पुलिस की सारी टीमें लगी हैं, पूरी क्राइम ब्रांच लगी है और हम लोग घटना के अनावरण का प्रयास कर रहे हैं।